गुड मॉर्निंग हिंदुस्तान। प्रमोशन में आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, मजबूत पैरवी के लिए तैयारियां। प्रमोशन में आरक्षण के समर्थन और विरोध को लेकर आंदोलनों की अगुवाई में दिग्गज वकीलों को मोर्चे पर उतारने की तैयारी। इंडियन आर्मी डे आज, पुरुषों की परेड का नेतृत्व करेंगी चौथी पीढ़ी की पहली महिला अधिकारी तानिया शेरगिल। आर्मी डे परेड में पुरुषों की सैन्य टुकड़ी लेगी हिस्सा। गोरक्षनाथ मंदिर में आज मनाई जाएगी मकर संक्रांति, नेपाल के राजा की खिचड़ी चढ़ाएंगे सीएम योगी। गोरक्षनाथ मंदिर में हर साल आयोजित होता है पारंपरिक खिचड़ी मेला। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए अराजक तत्वों से निपटने के लिए पुलिस ने किए खास इंतजाम। रूस के विदेश मंत्री सरगोई लावरोव आज से 2 दिवसीय भारत की यात्रा पर। आज और कल भारत की यात्रा पर रहेंगे रूस के विदेश मंत्री। रासीना डायलॉग 2020 में भाषण भी देंगे विदेश मंत्री। लखनऊ में आज अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे। सीएम योगी की घोषणा के बाद आईपीएस सुजीत पांडे को बनाया गया है लखनऊ का पहला पुलिस कमिश्नर। यूपी सरकार का तर्क, इस प्रणाली के लागू होने के बाद दोनों शहरों में सुरक्षा व्यवस्था होगी बेहतर। डीएसपी देवेंद्र सिंह को दिल्ली लाने की तैयारी। गृह मंत्रालय ने एनआईए की 6 सदस्यीय टीम को सौंपी जांच। हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी नावेद बाबू और अल्ताफ बाबू के साथ डीएसपी के मिले होने की है आशंका। दिल्ली चुनाव के लिए एलजेपी ने जारी की 15 उम्मीदवारों की लिस्ट। वजीरपुर समान सीट से शंकर मिश्रा, संगम विहार से अरविंद कुमार झा, नजफगढ़ से राजकुमार लांबा को अपना उम्मीदवार किया घोषित। निर्भया केस के दोषी विनय और मुकेश का आखिरी कानूनी दाव भी फेल, फांसी का रास्ता साफ। सुप्रीम कोर्ट ने क्यूरेटिव पिटीशन याचिका को किया खारिज, 22 जनवरी को दी जाएगी चारों आरोपियों को फांसी। नागरिकता संशोधन कानून के तहत यूपी में अब तक 32,000 शरणार्थी चिन्हित। प्रदेश के गृह विभाग के आदेश, जिलों में लोगों की पहचान कर रहे डीएम। शासन के साथ ही केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी भेजी जा रही रिपोर्ट। घाघरा का नाम सरयू करने पर अयोध्या के संत खुश, इकबाल अंसारी बोले, सीएम योगी ने लौटाई गरिमा। इकबाल अंसारी ने कहा कि अब पूरे देश में घाघरा सरयू के नाम से जानी जाएगी, यह बहुत ही सराहनीय कदम। चंदा कोचर को दिए 12 करोड़ का बोनस वापस लेगा आईसीआईसीआई बैंक। हाईकोर्ट में मामला दर्ज, कर्ज वितरण में अनियमितता के मामले में फंसी है चंदा कोचर। आईसीआईसीआई बैंक में सीईओ और एमडी के पद पर रही है चंदा कोचर। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।